तो फ्रेंड्स आज की ये कॉन्सेप्ट बड़ी गजब बड़ी ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। मैंने पूरे ब्लैक बोर्ड को एकदम व्हाइट ही व्हाइट रखा, अभी तक कुछ नहीं लिखा, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। पूरी वीडियो को कंप्लीट वॉच करना मेरे दोस्त, पहले ध्यान से सुनते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम बात करते हैं। और ये वीडियो अगर आपने मिस कर दिया तो बहुत बड़ी चीज आप मिस कर रहे हो, मैं सच बता रहा हूँ दोस्त। क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं वीडियो रोज बनाने का तो मेरा आदत और शौक नहीं है, वीडियो 3 दिन पे लाऊंगा 4 दिन पे लाऊंगा, लेकिन बेहतरीन ही लाऊंगा। जैसे हम अपने आप को जानने के लिए क्या करते हैं, कभी कभी हमको ये लगता है यार चेहरा मेरा सूख रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो हम आईने में देख लेते हैं, तो आईना बताता है हाँ तू भाई दुबला हो रहा है, तेरे गाल बैठ रहे हैं, तेरे बाल सफेद हो रहे हैं, कुछ मतलब हमेशा कुछ जानने के लिए कुछ चीजों को हम इन्वॉल्व करते हैं। जैसे हमने पूरा साल खूब दबा के मेहनत किया, खूब पढ़ाई किया, ठीक है, लेकिन कैसे हम जानेंगे कि हमने बहुत अच्छा पढ़ाई किया है? जब कोई एग्जाम हम देने जाएंगे, कोई परीक्षा वीट करेंगे, कहीं ना कहीं एग्जाम में हम बैठेंगे, उसका जब रिजल्ट आएगा तब हमको पता चलेगा हमने कितना अच्छा पढ़ाई किया था, है ना मेरे दोस्त। तो आज का जो सवाल है मेरा, काफी सारे लड़कों का, ये 95% लड़कों की समस्या का हल होगा ये वीडियो, 95%। अब जो शादीशुदा लोग हैं भाई साहब उनके लिए भी है, देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। खासकर जितने सारे लड़की ये कह रहे हैं ना कि दिनेश भाई मेरी सीमन में ना दम ही नहीं है, सीमन में दम ही नहीं है, इतना पतला, इतना कमजोर, इतना बेकार कि अब तो ना ये समझ में आ रहा है कि पैसा खर्च करके इसको स्ट्रांग करूं, और ना यही समझ में आ रहा हूं क्या ट्रीटमेंट करूं, कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं है। चलो मैं एक चीज बताता हूं, अगर आपको ये डाउट हो रहा है कि आपके सीमन में दम नहीं, सीमन पतला हो चुका है, बेकार हो चुका है, इसको कैसे स्ट्रांग मजबूत गाढ़ा किया जाए, तमाम प्रकार की चीजें हम अपने माइंड में रिएक्ट करते हैं और सोचते भी हैं, और इसी की वजह से हम लाखों रुपया बर्बाद भी कर देते हैं, क्योंकि जो गुप्त समस्याएं होती है ना मेरे दोस्त, उसमें इंसान आधा पैसा तो इसीलिए खर्चा कर रहा है कि वो अपने मानसिक रूप से बीमार है, बस सच बता रहा हूं। और भाई कुछ लोग तो सच में बीमार है, उसमें कहने वाली बात नहीं है, तो मैं बता रहा हूं, आप अपनी सीमन को 100% पावरफुल, आप पावरफुल कह सकते हो या बेहतरीन कह सकते हो या स्ट्रांग कह सकते हो या मजबूत कह सकते हो, मतलब उसको 100% कैसे जानोगे? जैसे आप अपना चेहरा तो आईने में देख लिए, आपने क्या पढ़ाई किया एग्जाम के थ्रू आपने जान लिया, लेकिन सीमन को कैसे आप जानोगे? हर लोग अलग अलग पैटर्न बताते हैं, लेकिन ध्यान सुनना, मेरा जो पैटर्न है उसको ध्यान सुनना। आपको लेना होगा दो कटोरी, कटोरी हर किसी के घर में होता होगा, ध्यान समझना, दो कटोरी की बात कर रहा हूं, दो बाउल, कोई कोई बाउल भी कहता है, छोटा छोटा आता है, ठीक है, दो कटोरी लेना। मान लिया मैं तो बना ही देता हूं, एक कटोरी ये है और एक कटोरी ये है, ठीक है, एक कटोरी ये है, एक कटोरी ये है, इसमें आप पानी भर देना, ध्यान समझना मेरे दोस्त, इसमें आप पानी डाल देना, इसमें भी पूरा भरना नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, भरना नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत खाली रख देना ऊपर से, पूरा ना भरे तो ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, आप जब रात में सोने जाओ, ठीक है, तो अपने अस्पर्म को इस कटोरी में डाल देना, इसको आप 2 नंबर के नाम से जान सकते हो, इसको आप 1 नंबर के नाम से जान सकते हो, ठीक है मेरे दोस्त, 2 नंबर, जो 1 नंबर वाला है इसमें आपको रात में सोते समय डालना है अपने वीर को, ठीक है, कैसे डालोगे वो आपको पता है, इसके लिए मुझे बताना नहीं है, ठीक है, डाल देना। और फिर सुबह जब मॉर्निंग होता है, मॉर्निंग जैसे सो के उठे, बस एक ही दिन की बात कर रहा हूँ, जीवन भर की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो लोग सच में अपने वीर का टेस्ट करना चाहते हैं, घर बैठे बेमतलब किसी डॉक्टर के पास कहीं इधर उधर दांत चिदोरने की या मुंह फैलाने की जरूरत नहीं, आप घर में बंद कमरे में भी ये प्रक्रिया कर सकते हो, जान सकते हो, ठीक है। फिर मॉर्निंग में आप क्या करना, इसमें डाल देना अपने सीमन को। अब कैसे आप जानोगे, अगर पानी में आपका सीमन डूब गया, रात वाला पानी में डूब गया सीमन, तब एकदम समझो आपका जो ये सीमन है मेरे दोस्त पावरफुल है। क्या डूब गया आपका सीमन पानी में, तब तो पावरफुल है, और अगर पानी पे तैरने लगा तब ट्रीटमेंट की जरूरत है, ये चीज आप जान लो तुरंत, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान समझना एक पॉइंट को, ठीक है। अगर पानी के ऊपर तैर रहा है, बेकार है सीमन, तो आप अच्छी डाइट चलाओ, और हो सके तो कोई आप बढ़िया आयुर्वेदिक डॉक्टर आपके नजर में हो तो उससे ट्रीटमेंट भी ले सकते हो, ठीक है। और उसके बाद पॉइंट नंबर 2, जो मैंने मॉर्निंग की बात की है, इसमें आप देखो आपका वीर जो सीमन है, ठीक है, अंदर एकदम बैठ गया है, अगर वो कलर चेंज कर दिया,
ठीक है, ध्यान समझना। जैसे व्हाइट होता है ना सीमन, सीमन का कलर कैसा होता है? व्हाइट होता है। और नीचे मान लो बैठ गया और कलर उसका चेंज हो गया, तो फिर यूरिन इन्फेक्शन के भी कारण हो सकते हैं, या आपके वीर में भी इन्फेक्शन हैं, या ऐसे भी शुक्राणुओं की क्षमता भी कम है, ठीक है, अगर पीले पड़ गए। और अगर व्हाइट ही रह गया तब तो समझ लो हर तरीके से आपका बहुत कुछ बेहतरीन है। अब ये सब लोग, ये अब आप लोग ये सोचोगे दिनेश भाई ऐसा टिप्स आप लाए कहाँ से कहाँ से? देखो दोस्त, ये एक पर्सनल, बहुत अच्छे, किसी का नाम नहीं लूंगा, एक ऐसे डॉक्टर हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका तजुर्बा गांव में होता नहीं। हकीम जानते हो, हकीम पढ़ाई नहीं करता लेकिन उसके पास इतना तजुर्बा होता है कि नाड़ी पकड़ के बता देगा कि आप में कितना दिक्कत है। तो ऐसे एक बहुत वृद्ध इंसान थे, उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया मुझसे, क्योंकि उनको पता है मैं आयुर्वेदिक टिप्स देता रहता हूँ और बहुत पढ़े लिखे भी हैं, अच्छे खासे, मतलब बहुत डिग्रियां नहीं उनके पास, पुराने पढ़े लिखे हैं। और उन्होंने ये चीज़ मुझसे बता देना, ऐसा हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को मदद मिल जाए, क्योंकि आज के समय में लड़के हस्तमैथुन करके, मैस्टरबेट करके सच में अपने शरीर की तो ऐसी की तैसी कर ही रहे हैं, साथ साथ सीमन की भी वाट लगा दे रहे हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो इतनी बेहतरीन आपको लगी होगी मेरे दोस्त, कि अगर आपने इसको ट्राई कर लिया और आप सच में इसका रिजल्ट देख लिए, पॉजिटिव में आ गया, तो दुनिया क्या आप खुद दीवाने हो जाओगे अपने आप के। और अगर पॉजिटिव में नहीं आया तो भी घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल मत घबराना दोस्त, ठीक है। आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको जरूर कुछ ना कुछ वहाँ पे बताऊँगा, जरूर कोशिश पूरी मेरी रहेगी, ठीक है। मिलेंगे जल्दी किसी अच्छे कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।